नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुंचता रहे। मित्रों, मैं अब आप सभी को प्रतिदिन का पंचांग बताने का प्रयास करूँगा। मित्रों, हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में सभी कार्यक्रम पर्व आदि तिथियों के आधार पर तय होते हैं और तिथियों का प्रामाणिक ज्ञान हमें पंचांग से प्राप्त होता है। पंचांग वह हिंदू कैलेंडर है जो भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार बनाया जाता है। पंचांग मतलब पंच अंग, अर्थात जिसके पांच प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग के परामर्श से ही सभी शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। एक मास में लगभग 30 तिथि होती है, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की तिथियाँ। एक सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक की कालावधि को वार कहते हैं। वार 7 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। योग भी 27 होते हैं, यथा विष्कुंभ, प्रीत, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन आदि। और पांचवा अंग है करण, जो कि तिथि का आधा भाग होता है, यानी एक तिथि बराबर 2 करण। बव, बालव, कौलव, तैतिल आदि ये सब करण हैं। पंचांग के इन्हीं 5 अंगों से हम कोई अच्छा समय या मुहूर्त निर्धारित करते हैं। इन्हीं से शुभ योग का यानी मुहूर्त को तैयार किया जाता है। तो ये मित्रों, मैंने संक्षेप में आपको पंचांग के विषय में बताया। अब मैं जो प्रतिदिन का पंचांग बताऊंगा उसमें ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा। मैं आशा करूंगा कि ये थोड़ा सा ज्ञान आपको हो गया होगा। अब आइए जानते हैं आज का पंचांग, यानी 14/9/2018 दिन शुक्रवार का पंचांग। इस समय संवत 2075 और शक संवत 1940 चल रहा है। महीना भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। तिथि आज पंचमी है जो 14/25 तक रहेगी। नक्षत्र आज विशाखा है, ये रात्रि 25/28 तक रहेगा, उसके बाद अनुराधा लग जाएगा। आज वैद्युत योग है जो रात्रि 23/25 तक रहेगा। करण आज बालव है जो दोपहर 14/25 तक रहेगा। चंद्रमा आज तुला राशि में है जो शाम 7:15 तक रहेगा, उसके बाद वृश्चिक राशि में चला जाएगा। आज कानपुर में सूर्योदय प्रातः 5:53 पर और सूर्यास्त 6:14 पर होगा। आज शुक्रवार है इसलिए राहु काल का स्टैंडर्ड टाइम 10:30 से 12 तक का है। तो मित्रों, ये थी संक्षिप्त जानकारी। आपका दिन शुभ हो। कल फिर आपसे मिलेंगे नए पंचांग के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, नमस्कार।